भाइयों और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं, इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है, जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है।